इस संस्था की मदद से विकलांग बनेगा आत्मनिर्भर, सीओ ने बढ़ाया मनोबल। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां श्री सेवा सामाजिक संस्था द्वारा न सिर्फ विकलांग युवक की मदद की गई अपितु युवक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक गुमटी प्रदान किया गया। सीओ पीटीडीयू नगर अनिरुद्ध सिंह के द्वारा गुमटी का उद्घाटन किया गया। सीओ ने विकलांग युवक वीरेंद्र यादव का सराहना करते हुए ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी और उसका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि वीरेंद्र यादव पहले ट्रक चलाता था, एक एक्सीडेंट में उसने अपना एक पैर गंवा दिया, उसके बाद उसके दूसरे पैर का घुटना भी खराब हो गया था। करीब साल भर पहले इसी संस्था ने वीरेंद्र यादव के पैरों का ऑपरेशन भी करवाया था। क्या नाम है? वीरेंद्र यादव। बात करिए। श्री सेवा सामाजिक संस्थान। अभी यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? गुमटी हमको मिल रहा है सर। गुमटी मिल रहा है जी। पहले कैसे बिजनेस करते थे? पहले सर हम ट्रक चला रहे थे, पहले जो पहले। मेरा पैर सही था तो, और पहले अब उसमें आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। जिसके बाद आपका घुटनों का शायद ऑपरेशन हुआ। जी जी। किसने करवाया था? श्री सेवा सामाजिक संस्थान ने। संस्था ने करा था। और आप श्री सेवा सामाजिक संस्था क्या करवा रही है? गुमटी दे रही है हमको। गुमटी दे रही है ताकि आप आत्मनिर्भर बन सके। जी। नीतीश कुमार जिंदल है। ये श्री सेवा सामाजिक संस्था के द्वारा लोगों द्वारा एक विकलांग व्यक्ति शुभेंदु यादव जिसका नाम है, उसको गुमटी प्रदान की गई है और ताकि अपनी जीविका चला सके। आपको बता दें कि ये शुभेंदु यादव एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। एक दिन इसका अचानक जो है एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक पैर इसका कट गया पूरी तरह। उसके कुछ दिनों बाद फिर इसका दूसरा पैर भी जो है निष्क्रिय हो गया। तो फिर इसको पता चला संस्था के बारे में, श्री सेवा समाज संस्था के बारे में, तो इसने वहाँ लोगों से गुहार लगाई। तो इसके पैर का ऑपरेशन हम लोगों ने पिछले साल संस्था के लोगों ने मिलकर डॉक्टर बिंद के यहाँ ऑपरेशन करवा दिया था। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर इसके पास जीविका चलाने के लिए इसको कुछ ज़रूरत थी, तो प्रयास कर रहा था तो टेबल पे बैठ के घर के बाहर ही, एक स्कूल के बाहर जो है नाश्ता वास्ता का बेचता था। लेकिन अब गर्मी क्योंकि आ रही है तो गर्मी आने की वजह से इसको समस्या हुई, तो इसने फिर दोबारा मदद लगाई, मदद की गुहार लगाई संस्था के लोगों से कि हमको एक गुमटी दे दी जाए तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो संस्था के लोगों ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसको आज गुमटी दे दी है। सर अपना परिचय दीजिएगा। आलोक कुमार सिंह, कैलाशपुरी से सभासद रहे हम। ये श्री सेवा सामाजिक संस्था द्वारा लगातार एक अच्छा काम किया जा रहा है, अच्छा मैसेज पहुंचाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? श्री सेवा सामाजिक संस्था जब से बनी, इसका जन्म कोरोना काल में हुआ और उसके बाद से लगातार नेकी की दुकान के माध्यम से और निःशुल्क चिकित्सालय के माध्यम से, और जब भी इस तरह का कोई स्रोत से मालूम हम लोग को चलता है कि कोई ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करने के लिए पूरी संस्था तुरंत तत्पर होती है। इसी क्रम में जब ट्रक ड्राइवर के बारे में सतीश भैया ने सबको बताया तो हाथों हाथ इसको लिया गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हम लोग को जो सबसे अच्छी बात लगी इस व्यक्ति के बारे में कि इसने इतनी बड़ी घटना के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और यह निर्णय लिया कि हम मेहनत कमा करके अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। इसलिए सब लोगों ने निर्णय लिया कि इसको गुमटी प्रदान करेंगे और आने वाले समय में भी ऐसे कोई भी जरूरतमंद जो असहाय हैं, जो अपनी रोजी रोटी सम्मानपूर्वक कमाना चाहते हैं, यदि कोई संसाधन उनको मुहैया कराना पड़ा तो हम सभी संस्था के सदस्य पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह से उसकी मदद करने के लिए तत्पर हैं।